हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भिंडी की सीक्रेट टिप्स बताने जा रही हूँ कि कैसे कम तेल में आप क्रिस्पी भिंडी बनाएं। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी लिया है और इसको अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के लिए भी एक टिप है कि आप भिंडी को कम से कम आधा घंटा पहले धुल के और पानी उसका बिल्कुल छन जाने दें, भिंडी सूखी हो जाए। अगर सपोज आपकी भिंडी गीली है तो आप उसको टॉवेल, किचन टॉवेल पर रख करके और वाइप कर लें। अगर पानी रहेगा तो भिंडी हमारी अपने आप ही जो है चिपचिपी हो जाएगी। और बाद की टिप्स में आगे की वीडियो में देखिएगा। इस तरह से हम जो है ना ही बहुत पतला इसका चॉप करेंगे साइज और ना ही बहुत मोटा। और जो टाइट भिंडी है, जो कड़ी भिंडी, उसको हमने निकाल दिया। हमने अपने हाफ के जी भिंडी को इस तरह से चॉप कर लिया और फ्राई करने के लिए हमने 8-10 लहसुन की कलियां और 3-4 मिर्च, हरी मिर्च लिया और आधा छोटा चम्मच मेथी, मेथी के कुछ ही दाने लेंगे। आपको मेथी ना पसंद हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया। सबसे पहले मेथी डालेंगे तेल गर्म हो जाने के बाद में, और फिर हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन थोड़े से पिंक हो जाए तब हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, लहसुन जब एकदम ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, तभी जो है हम इसमें भिंडी ऐड करें। उसका अच्छा फ्लेवर जो है भिंडी का सोंधा सा और लहसुन का लहसुनी फ्लेवर तभी आएगा जब हमारा लहसुन ब्राउन हो जाए। और अब हम भिंडी ऐड करके और इसको हाई हीट पर रखेंगे। 3-4 मिनट के लिए हम हाई हीट पर रखेंगे, जब तक कि हमारा इसका जो अंदर का लेसेथिन होता है, जो चिपचिपापन होता है, वो ना ख़त्म हो जाए। अगर हम धीमे आंच पर रखेंगे तो भिंडी हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी, चिपी हो जाएगी और बाद में टूटने भी लगेगी। इसको हम हाई हीट पर ही पकाएंगे, देखिए। और इस तरह से हम उसको फैला देंगे कढ़ाई में। भिंडी जब भी बनाएं तो कढ़ाई के साइज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें और इस तरह से फैला के रखें। यानी कढ़ाई छोटी है, उसको पूरी तरह से भर दिया, तब जो है भिंडी क्रिस्पी नहीं बनेगी। भिंडी हमारी भुन रही है, देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर है इसका। और अब ये 3-4 मिनट पकने के बाद में इस तरह से हो गई। इस स्टेज पर हम 3/4 स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक कम ही रखेंगे क्योंकि भिंडी पकने के बाद में काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। देखिए भिंडी हमारी कितनी अच्छी पक रही है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया? नहीं किया है तो तुरंत करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर पहुंचे और सारी रेसिपीज को आप एंजॉय करें। और लाइक करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नई नई रेसिपीज लाऊं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इन रेसिपीज का एंजॉय कर पाएं। देखिए भिंडी हमारी क्रिस्प हो गई है आधी, और इसको और क्रिस्पीनेस देने के लिए हम इस स्टेज पर 5-6 बूंदे नींबू की ऐड करेंगे। इससे हमारी भिंडी और क्रिस्पी होगी और इसका जो आयरन लेवल है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में आयरन बहुत अच्छा होता है, और इसको और एनहेंस करने के लिए विटामिन सी अगर साथ में है तो और एब्जॉर्बिलिटी इसकी बढ़ जाती है। किसी को भी फ्रेंड्स ये टिप है कि अगर किसी को भी आयरन खून की बराबर कमी रहती है और ग्रीन वेजिटेबल भी खाते रहते हैं तो उसके लिए ये सीक्रेट टिप है कि कभी भी ग्रीन वेजिटेबल में थोड़े से बूंदे नींबू के रस की ऐड कर दें। जैसे इस मौसम में पालक है और भी कई सारे पत्तेदार सब्जियां हैं, आप उसको बनाएं और थोड़ा सा नींबू ऐड कर दें तो उससे जो है हमारी एब्जॉर्बिलिटी बढ़ जाएगी, आयरन का लेवल अपने आप देखिएगा इंक्रीज हो जाएगा। ये अब हमारी भिंडी रेडी हो गई। फ्रेंड्स, इसको 3-4 मिनट हाई हीट करने के बाद में मीडियम हीट पर कर दें, बहुत धीमी आंच पर भी नहीं पकाएंगे। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी क्रिस्पी भिंडी रेडी हुई है, बहुत ही टेस्टी है ये।
मैंने इसे आज सर्व किया है चावल और दाल के साथ में। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है चावल दाल के साथ भिंडी है खाने में। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ।